हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गुड मॉर्निंग सभी को। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहे हैं हम, मैगी बना रहे हैं। मैगी और मिमी जो मिक्स करके बना रहा है, क्योंकि मैगी उस दिन भी हम लोग खाया था तो बोरिंग लग गया हम लोग खा के। तो इसलिए आज मिमी और मैगी को मिक्स करके बनाया। और आप लोगों को पता ही, हम लोग का फेस्टिवल आ रहा है आसामीज का, और आसामीज मतलब हम लोग नॉर्थ ईस्ट का बहुत ट्राइब लोग का मतलब फेस्टिवल आ रहा है। तो हम लोग का बिहू जो स्टार्ट हो रहा है कल से, 14 से लेके 21 वीक पूरा कंटिन्यू चल बनाने वाला है। मैगी ब्रेकफास्ट तो बना लेगा, उसके बाद खा लेगा, बर्तन तक धुला लेगा, उसके बाद ये गुजिया ना क्या बोलता है हम लोग का आसाम में, तो उसको पॉप बोलता है, लेकिन तो उसको बनाएगा। हम सब रेडी करके रखा है, तो दिखाएगा आप लोगों की क्या क्या रेडी करके रखा है। ये जो मैदा का डोर बना के रखा है, इसमें रिफाइंड डाला है और सब डोर बना के रखा है। तो इसको जो नरम होने के लिए रख दिया से कपड़ा से, ये कॉटन कपड़ा से ढक के, और इसमें अंदर डालने के लिए, गुजिया का अंदर में डालने के लिए मसाला जो इसमें सूजी फ्राई करके डाला है, और ड्राई कोकोनट को उसको भी फ्राई करके डाला है। उसके बाद ये सौंफ है, सौंफ ना क्या बोलते हैं इसको, सौंफ बोलता होगा। हाँ, ये छोटा छोटा देखिए कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये डाला है। उसके बाद चीनी डाला इसमें, और किशमिश डाला, और काजू भी डाला है। काजू को ऐसे छोटा छोटा बारीक बारीक करके डाला है, और किशमिश जो काजू के साथ बारीक किया था, बट काजू तो बारीक हो गया लेकिन किशमिश जो नहीं हुआ ऐसे गोटा गोटा रह गया, तो उसको ऐसे ऐड कर दिया। कुछ नहीं, एक दो खाने मिलने से भी हो जाएगा। तो दिखाएगा आप लोग को हम कैसे बनाएगा उसका बाद में। बाकी सब तो रेडी रखा है, अभी सब काम ख़त्म करेगा उसका बाद ये सब बनाएगा। यहाँ से टुकड़ा टुकड़ा करके हम लोग जैसे पूरी बनाते हैं वैसे टुकड़ा टुकड़ा ले लेंगे। अभी इसको दे देंगे हम सामने में, और कैमरा में इधर दिखा पोका सीधा करो। देखिए इस तरह बेलना है इसको, बेल बेल के पूरी का सेप में करेगा हम लोग। पूरी हम लोग जैसे बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है। अरे क्या हो गया, चिपक गया। ये देखिए बन गया पूरी बनाने वाला से, और ये जो पॉप बनाने वाला मशीन, इसमें हम लोग इसको ऐसे डालेंगे। ऐसे डालने के बाद मैंने जो मसाला बनाया था इसके अंदर डालने के लिए, इसको ऐसे करके डालेंगे। उसके बाद इसको बंद कर देंगे, को थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर देंगे अभी। उसको भी एक्स्ट्रा जो है उसको निकाल देना है। ये रहा मेरा पॉप बन गया। हाँ पॉप नहीं, मोमो बन गया। इसी तरह सबको बनाना है। तो गाइस लास्ट में बना के ऐसे होते हैं। ये देखिए इतना सारा बनाया मैंने, और अब इसको डीप तेल में फ्राई करने वाला है। तेल जो मेरा हीट हो गया ऑलमोस्ट, तो इसमें हम देख के देखिएगा। हाँ ठीक है, हो गया। मेरा पॉप जूनबेरी, पलटा देगा उसको नीचे का तरफ थोड़ा डायरेक्ट होगी। तो गाइस आप लोग देख लिया कि मैंने गुजिया बना लिया है, पॉप बना लिया है, और अभी हम अपना ट्रेडिशनल जो पीठा बनाने वाला है, वो जो स्टिकी राइस से बनाते हैं, आप लोगों को दिखाएगा कैसे होता है। मम्मी ये रहा, ये दो क्वालिटी का होता है, एक तो वाइट और एक तो जो रेड कलर का। तो ये रेड कलर से ज़्यादा बना रहे, ये स्टिकी राइस है, हम लोग आशा बीच में इसको बड़ा चावल बोलते हैं। तो इसी से हम तिल पीठा बनाएगा अभी, तो आप लोगों को दिखेगा। पहले हम लोग इसको कूट लेगा, कूटने में ऐसे इस तरीका से। ये
चाहिए, हम मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने से क्या होता है, अच्छा से पिठा नहीं बनता है, स्टिकी जो उसका ना ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसमें कूट रहे हैं। तो इधर में कूटने से अच्छा से पिठा जो बनते हैं। तो गाइस अभी कूट के हो गया, इसको छलनी में निकालेगा और छलेगा इसको, देखिए सामने से दिखा कैमरा में, ये इस तरीके से निकालेगा, तो नीचे में छिपक गया, तो चम्मच से निकालना पड़ेगा, नेल से निकालेगा तो नेल में घुस जाएगा और फट जाएगा। बहुत मेहनत गाइस, बहुत मेहनत, खाने में भी टेस्टी है, मेहनत नहीं करते तो कहाँ खाने में। ओ माय गॉड, ये नीचे नीचे में तो चावल चालू है, तो इसको अभी इस तरीके से हम लोग टूटा टूटा के जो लदा लदा हो रहा है उसको टूटा के ऐसे ऐसे करना है, जूठा मत करो बेटे। ये देखिए नीचे में कैसा पाउडर बन के आया है, अरे ये अच्छे से नहीं टूटे, तो इसको फिर से दोबारा हम लोग करेंगे सेम प्रोसेस में। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल का जो ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि कल काफ़ी थक गया था, इधर उधर कर करके, और पिठा उठाई बनाया था, आप लोगों को तो देखा है, हम कूट रहा था, तो डायरेक्ट एंड तक नहीं दिखाया क्योंकि थक भी गया और कैमरा पकड़ने वाला आदमी नहीं था, तो इसलिए हम खुद ही बना रहे, तो फिर हम खुद ही कैमरा पकड़ के नहीं कर सक रहे ऐसे, तो आप लोगों को दिखाएगा फाइनल टच, जो फाइनल में कैसे हुआ है, जो चावल जो कूट रहा था हम, उसका जो कैसे पिठा बनाया वो दिखाएगा हम आपको। ये रहा गाइस जो कूट के चावल पिठा बनाया था ना, ये वाला काफ़ी हार्ड है ये बनाने के, मतलब बहुत तकलीफ है इसको ना, बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, ओवरनाइट चावल को भिजा के रखो, फिर नेक्स्ट डे को उसको सुखाओ, थोड़ा सा ड्राई करो, उसका बाद में कूटो, उसका बाद छाड़ो, उसका बाद फिर बनाओ, अंदर का मसाला बनाओ, और ये वाला तो आप लोग देखा ही था बनाया था। तो ये सब है, तो आज बहुत लोगों का बीजू भी है, तो हैप्पी बीजू, और संकेत भी है हैप्पी संकेत, और हम लोग का जो बिहू है हैप्पी बिहू सबको, जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उस सबको, और जो जो दूर दूर में है मेरा रिलेटिव लोग, मेरा क्लोज लोग, सब लोग को हैप्पी बिहू। उसके बाद अभी तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर ले, ब्रेकफास्ट मतलब हम लोग आज बिहू है तो हम लोग जलपान खाता है, जलपान खा चुका, आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि हम थक गया था ना, इसलिए दिखाने मन नहीं था, तो नहीं दिखाया इसलिए। तो अभी आज का दिन में हम लोग का क्या है, 101 सब्जी खाना है, तो सब्जी वही हम देखेगा बागान में क्या है, ढूंढेगा पत्ता वत्ता, तो आप लोगों को दिखाएगा हम क्या क्या ढूंढ के कलेक्शन के 101 कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, उतना जो बना के एक मिक्स सब्जी बना के खाना है आज का दिन जो, और दिखाएगा आज दिन भर में हम क्या क्या करेगा। अभी हम नीचे जाने वाला है, सब्जी ढूंढेगा क्या क्या सब्जी मिलता है, पत्ता सब्जी पता नहीं जो कुछ, गंदगी इसमें थोड़ा थोड़ा लेने से होगा, देखिएगा कितना मिलेगा, उतना तो नहीं मिलेगा जितना मिलेगा, ये भी खाता है चटनी बना के, आपको पता होता होगा, ये दो तो मिल गया हमको, हमें उसके बाद ये वाला गाइस देखिए येलो फूल वाला, ये वाला पता नहीं दूसरे लोग खाते कि नहीं खाते, हम लोग तो खाते लेकिन खाने के लिए, इसको भी ले लिया, तीन हो गया मेरा। उसके बाद ये आलू का पत्ता है, ये इसका कुमली वाला लेगा, तीन चार हो गया, चार ये पानी कुमला का है क्या, चार पाँच
अच्छे। साथ ये भी आठ कैसे करने है? इधर मारना है। चलो हम मारते हैं। इधर मारेंगे देखो ये झूला इससे ना तो करके धीरे से मार दो। अच्छा झुमका से मारना है ना। हाँ हार गया नाता नाता हार गया। एक अड्डा उड़ गया गया तेरा। ये ऑमलेट बनेगा घर में जाके। अभी ला दो तो ये मेरा घर में बनेगा ना ना। ए दीदी हार गया। दीदी हार गया। ये मामा का हार गया। ये मामा ले जाएगा। मामा आपको हम मार गया तू मारेगा ऐसे पकड़ो ऐसे जूंगा। चलो अभी कौन जीतेगा। ये लालू हार गया। का ये तेरा और ये वाला यार।